का एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। क्या आपने फैन का नाम सुना है? जी नहीं, मैं ऊपर जो लगता है हवा देने वाले फैन की बात नहीं कर रही, ना ही मैं खाने वाले फैन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड फैन टोकन की। तो अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फैन टोकन के बारे में। तो फैन टोकन एक फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की, जो अपने होल्डर्स को एक्सेस देती है, जिससे वो वैरायटी ऑफ फैन रिलेटेड मेंबरशिप पर्क्स में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि वोटिंग ऑन क्लब डिसीजंस, रिवॉर्ड्स, मर्चेंडाइज डिजाइंस एंड यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं फैन टोकन के बारे में, देन स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। तो फैन टोकन्स वो क्रिप्टो करेंसी है जिनको आप यूज कर सकते हैं बाय स्पोर्ट्स क्लब, म्यूजिक फैन क्लब्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेमोक्रेटाइज एंड ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस के लिए। इसके साथ ही ये एस्टेब्लिश हुआ है क्लब लीडरशिप पर एंड मेनी मोर। तो अनलाइक एनएफटीज, जो फैन टोकन्स है ये कम्प्लीटली फंजिबल है और इंटरचेंजेबल है, यानी कि ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब जस्ट कि लाइक फियाट और कैश की तरह ये जो टोकन्स है इनको भी एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर स्पोर्ट्स क्लब मर्चेंडाइज के लिए, वीआईपी एक्सपीरियंसेस के लिए एंड मेनी मोर। एडिशनली ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लब की कम्युनिटी को टाइटन करने के लिए विद अनदर टोकन। तो फैन टोकन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, जो कि नेसेसरली नहीं है इनके लिए कि ये बैक्ड हो बाय अंडरलाइन वैल्यू प्रिंसिपल्स ऑफ बिटकॉइन और इथेरियम के साथ, बल्कि ये अपनी जो वर्थ है ये रिसीव करते हैं इस चीज से कि कितने फैंस की वैल्यू जो है वो एबल है पार्टिसिपेट करने में क्लब के अंदर एंड कितने एबल है अर्न करने के लिए यूनिक बेनिफिट्स को। तो चिलीज टोकन की अगर मैं बात करूं तो चिलीज टोकन फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फैन टोकन है, जो कि प्रॉम्प्ट है एक एक्सप्लोजन ऑफ न्यू टोकन्स लाइक द मैनचेस्टर सिटी फैन टोकन, एसी मिलन फैन टोकन, द जुवेंटस फैन टोकन एंड मेनी मोर। तो ये जो करेंसीज है अभी मैंने जिनके नाम लिए, ये एक ब्रांड है एंड इनके न्यू यूज केस है क्रिप्टो के लिए, जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो अब बात करें कि फैन टोकन्स आखिर किस तरह से काम करते हैं। तो फैंस जो है इनको आप परचेज कर सकते हैं डिजिटल टोकन्स के साथ एंड ट्रेड कर सकते हैं लाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही। एंड जब ट्रेड कर रहे हो तो ये जो प्राइस है फैन टोकन का, जनरली ये सेट किया जाता है सेलर के द्वारा एंड इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट एंड कितना ये जो टोकन है उस टाइम पे पॉपुलर है उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है। तो एक बार जो यूजर्स है वो गेन कर लेता है एक्सेस को, तो वो अमाउंट है जो फैन टोकन की वो सेट कर सकता है एंड उसके बाद उसको ग्रांट कर दिया जाता है, उसके पास पूरे राइट्स है कि वो वोट कर सकता है वैरायटी ऑफ मैटर्स के लिए जो कि कंसर्न करते हैं उनके फेवरेट क्लब में। अब ये मैटर्स करते हैं कि जो फैंस हैं वो उनको आप वोट करेंगे, जो भी वोट करेंगे वो लार्जली डिपेंड करेगा क्लब के अंदर जो भी इंक्लूड होंगे। तो क्लब का जो मर्च डिजाइन है, टूर बस डिजाइन है, टिकटिंग मैटर्स है, मैच लोकेशंस, एमवीपी कैटेगरीज, ये सारे इंक्लूडेड है फैन टोकन्स के अंदर। अब ये जो पर्क्स ये अलाउ करते हैं अपने फैंस को, जिससे वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो सके क्लब के अंदर जिसको वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं एंड इसके साथ ये ऐड करते हैं एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज जब उनके फैन टोकन्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है क्लब के अंदर। टाइम के साथ ये ग्रो करती है, वैसे ही जो फैंस है उनको काफी ज्यादा प्राइड एंड प्रेस्टीज फील होता है। तो फैन टोकन्स क्रिएट करता है एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को मोस्ट डेडिकेटेड फैंस के लिए एंड इसके साथ ही एक नया तरीका है जिससे ये फैंस को एक मौका देते हैं कि वो एक्साइटिंग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें एंड रिवॉर्ड सिस्टम को भी अर्न कर सके। तो जितने ज्यादा फैन टोकन्स आप ऑन करोगे उतने ज्यादा स्वे, उतना ज्यादा इफेक्ट आपका होगा क्लब के अंदर एंड उतने ही ज्यादा आप रिवॉर्ड्स को कर पाओगे अर्न। तो अगर आप फैन टोकन्स में इंटरेस्टेड हो और अगर बाय करने का आप जानना चाहते हो कि कहां से बाय कर सकते हैं, तो फैंस को आप CXZ से परचेज कर सकते हो वाया एक क्रिप्टो एक्सचेंज। इसके साथ इसको एक्वायर कर सकते हो फैन टोकन्स को जो एग्जिस्ट है चिलीज नेटवर्क के ऊपर। हाउएवर ये फैन टोकन्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं चिलीज के आउटसाइड भी एंड इनकी socios.com वेबसाइट के ऊपर भी, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो टोकन्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं परचेज करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए डिफरेंट फैन टोकन्स में ऑन socios.com। तो फैन टोकन्स को आप ट्रेड कर सकते हो ऑन chilis.net के ऊपर, जो कि इनका इन हाउस एक्सचेंज है एंड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है अगेंस्ट CXZ। अब कुछ फैन टोकन्स ऐसे भी हैं जो अवेलेबल हैं बहुत सारे पॉपुलर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं है और इतने ज्यादा लार्ज नहीं है कि उन्हें अभी लिस्ट किया जा सके। तो इस केस में जो फैन टोकन्स है वो सिर्फ आपको अवेलेबल मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर स्वैप करने के लिए लाइक पैनकेक स्वैप।
तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट नीड है क्रिप्टो करेंसी की जिसमें आप ट्रेड कर सके फॉर फैन टोकन के लिए डेक्स के अंदर। तो करेंटली अगर आप लार्जेस्ट बाय अगर करते हैं फैन टोकन्स को, तो चिलीज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से इंक्लूडेड है Binance.com, Coinbase Pro, Huobi Global, Bithum, KuCoin एंड चिलीज। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरह से फैन टोकन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फैन टोकन्स जनरली यूज होते हैं एज अ पार्ट ऑफ फैन क्लब्स एंड स्पोर्ट्स क्लब। तो ये डिफर है एक दूसरे से, यानी कि अदर क्रिप्टो से, जैसे कि इथेरियम है, चेन लिंक है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज ये जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करते। मतलब अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो दे आर मोर ऑफ फन रिवॉर्ड्स बेस्ड टोकन है, या जस्ट रिवॉर्ड्स बेस्ड टोकन है। यहाँ पे अगर आप मेंबरशिप बनते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स अर्न करने को मिलते हैं। तो बाय टोकन फैंस को अगर आप परचेज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो हम देखते हैं कि स्टिल एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है बहुत लोगों के लिए। तो क्रिप्टो मार्केट को वैसे भी उसकी वोलेटिलिटी के लिए ही जाना जाता है, एंड मीम कॉइन्स तो मोस्ट प्रोन टू ड्रास्टिक स्विंग्स है इन प्राइस। तो हाँ, अगर जो बहुत ज्यादा रिस्क है वो हमेशा उसका मतलब होता है कि उतना ही रिवॉर्ड आप जीत भी सकते हैं। एज कुछ फैन कॉइन्स ऐसे हैं जो कि स्काई रॉकेट है प्राइस में, यानी कि अगर आप इसे कैच कर लेते हैं तो ये उसके कारण और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा बेस्ट है कि आप केयरफुली उस वैल्यू को पहले तोल लें और सॉल्यूशंस देख लें कि क्या क्या प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। एंड फैन टोकन्स में भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही लेस नॉन है, बट मोर ऑफ ए बाय है टू द स्पेशल बेनिफिट्स जो कि स्पोर्ट्स क्लब आपको प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हैं। तो ये थी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फैन टोकन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड अंटिल देन।